हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डालिम, वेस्ट बंगाल बर्धमान से, आपका दोस्त। अभी मैं मेरे पास एक इनकोड का टीवी आया है जो फॉल्ट है, मैं आप लोगों को दिखाएंगे। और मैंने ये टीवी खोल के रखा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत हो, इसलिए देखिए फॉल्ट क्या है। ये टीवी मेरे पास आया है, ये पैनल, इसका पैनल है, पैनल नंबर यहाँ पर है, और ये है इसका मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड ये अडेप्टर से चलता है, और इसका जो फॉल्ट है, ये अडेप्टर जल गया है, बर्न हो गया है, और इसमें मदरबोर्ड में ये जो रेगुलेटर आईसी है, यहाँ पर बर्न हो गया था, जल गया था। मैं आईसी खोल के ओपन करके रखा हूँ, और इसमें फॉयल भी जल गया है, बर्न हो गया है, ठीक है। ये आईसी का काम है, पहले तो ये 12 वोल्ट लेता है इनपुट, फिर यहाँ से इस आईसी से कॉयल थ्रू 5 वोल्ट निकलता है। निकलने के बाद बाकी जो रेगुलेटर्स है वहाँ पर जाता है, ये 5 वोल्ट, फिर 1.8, 3.3, 1.2 बनता है इस रेगुलेटर से, ठीक है। और ये जो आईसी है, ये प्लस आईसी है, और इसमें जो आईसी है, ये वाला साउंड आईसी है, ठीक है। और ये सब रेगुलेटर है इसमें, और इसका जो आईसी बर्न हो गया है, फिलहाल तो मेरे पास ये आईसी नहीं है, और फॉयल भी जल गया है, इसलिए मैं एक छोटा वाला रेगुलेटर बोर्ड इसमें इंस्टॉल करेंगे, और देखेंगे ये इस मदरबोर्ड चलने के लायक है कि नहीं, प्रोसेसर वगैरह ठीक है कि नहीं, ठीक है। अभी इंस्टॉल करेंगे हम एक बोर्ड। ये बोर्ड मार्केट में मिल जाता है अवेलेबल। इस बोर्ड में खासियत इस क्या है, ये इनपुट 12 वोल्ट आप दे सकती है, और कोई भी आउटपुट आप ले सकती है, जैसे कि 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5 वोल्ट। यहाँ शॉर्ट करने से 5 वोल्ट आउटपुट हो जाएगा, यहाँ शॉर्ट करने से 3.3 आउटपुट निकल जाएगा। आपको जितना जरूरत है आप वही टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट कीजिए, ठीक है। फिलहाल तो इस बोर्ड में यहाँ पर 5 वोल्ट का जरूरत है, इसलिए मैं 5 वोल्ट का टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करेंगे, ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, मैंने ये 5 वोल्ट का टेस्ट पॉइंट शॉर्ट कर दिया, और वायर मैंने रखा है यहाँ पर, वायर कनेक्शन मैंने प्लस कनेक्शन कर दिया इनपुट, और ये है माइनस कर दिया, और आउटपुट एक ही वायर से लेने से काम चल जाएगा। प्लस प्लस का वायर से आउटपुट जो प्लस है, ये वायर कनेक्शन करने से चल जाएगा पोर्ट। अभी यहाँ पर कहाँ पर कनेक्शन करना है आप लोग देखिए, अभी मैं 12 वोल्ट एडाप्टर लाइन इनपुट किया, अभी वोल्टेज यहाँ पर 12 वोल्ट कहाँ पर है, और ये कॉइल तो आउटपुट है आईसी का, इस कॉइल में 5 वोल्ट देना पड़ेगा आपको, और इसका इनपुट किधर है आप देख लीजिए। इस इनपुट है एक नंबर पिन जो है इसका, इधर से एक नंबर पिन में 12 वोल्ट, इधर मीटर पे दिखाओ, इधर 12 वोल्ट है, ठीक है। Thank you.
यहाँ पर 12 वोल्ट है, तो यहाँ पर मैं प्लस 12 वोल्ट इनपुट कर दिया, ठीक है, और ये माइनस से माइनस में इधर कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर 5 वोल्ट निकलता के नहीं, ये देखिए 5 वोल्ट आउटपुट, ठीक है, ये 5 वोल्ट आपको इस कॉइल में देना पड़ेगा, कॉइल का जो आउटपुट है उसमें वहां पर देना पड़ेगा। कॉइल का इनपुट ये वाला है, इसमें ये जो पिन है, इस पिन से ये आईसी से कनेक्शन है, और इधर जो आउटपुट है, आउटपुट 5 वोल्ट निकलता है। अभी मैं पावर देगा एडाप्टर से, ये दे दिया मैंने, और इधर इंडिकेटर जल गया, देखिए इंडिकेटर जल गया, स्टैंड बाय एलईडी आ गया। अभी लोड में 5 वोल्ट आता कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 5 वोल्ट 4.92, मतलब 5 वोल्ट आ गया, ठीक है। अभी एलईडी चालू होकर हो रहा है कि नहीं एक बार देख लीजिए, ये देखिए एलईडी चालू हो गया। अब हम पैनल लगाएंगे, फिटिंग करेंगे इसका पैनल, पैनल फिटिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे पिक्चर। सेट तो ऑन हो गया, अभी पैनल कनेक्शन मैं कर देता हूँ इसमें टेस्ट करने के लिए। ये तो एलईडी ड्राइवर है, एलईडी ड्राइवर, इसका दो कनेक्शन है, टू चैनल का आउटपुट है, ये कनेक्शन कर दिया, ओके। अभी देखेंगे सर पिक्चर आता कि नहीं, चालू होता कि नहीं एडाप्टर। पावर मैंने पावर दे दिया, देखिए सेट ऑन हो गया, ऑन हो गया सेट। लेकिन ऑन होने के बाद पिक्चर का लाइट ज्यादा नहीं है, कम है, पिक्चर का लाइट थोड़ा कम है, ज्यादा नहीं है, देखिए। अभी लाइट कम क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे, लाइट क्यों कम हो रहा है। अक्सर क्या होता है, जो ये एलईडी ड्राइवर है इसमें थोड़ा खराबी आ जाता है, इसलिए आउटपुट थोड़ा कम देता है बैकलाइट को, इसीलिए लाइट कम होता है। मैं ये बोर्ड नया वाला डाल के देख लेता हूँ, ये क्या रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, फॉल्ट क्या है देखेंगे, नया वाला डालने से फॉल्ट को सॉल्यूशन होता कि नहीं। मेरे पास ये वाला कार्ड है, तो मैं इस कार्ड को लगाएंगे, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक देना और शेयर करना, और कमेंट भी कीजिएगा जो कोई वीडियो में खराबी है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है।
और मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मैंने नया बोर्ड इंस्टॉल कर दिया, फिर कनेक्शन में एक बार देगा देख 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 के देखेंगे ये लाइट कम होता है कि ज़्यादा होता है। तो पावर दे दिया मैंने, अभी ऑन हो गया, देखिए लाइट अभी सफिशियंट लाइट हो गया, ठीक है, अभी एलईडी ओके हो गया। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स अ लॉट, बाय।